नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री की तरफ से एक नई योजना यहाँ पे शुरू की गई है जो कि विश्वकर्मा योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर होते हैं, जो यहाँ पे पारंपरिक काम करते हैं, उनको यहाँ पे लाभ दिया जाता है। अगर आप जो विश्वकर्मा योजना के बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा एक डिटेल यहाँ पे बताता हूँ। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 तरीके के जो यहाँ पे पारंपरिक काम करने वाले लोग होते हैं, उनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को 15,000 रुपये सबसे पहले यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आप लोग का जो टूल किट होता है, यानी कि जो भी आप लोग औजार यूज करते हैं, वो औजार खरीदने के लिए यहाँ पे सरकार आपको पैसा देगी। उसके बाद आप लोग को सरकार जो है यहाँ पे 3 लाख तक का जो लोन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली है, वो भी बिना गारंटी का। तो ये जो है सबसे अच्छा बात यहाँ पे हो जाता है कि आप लोग को लोन भी मिलने वाला है, साथ में सरकार की तरफ से अनुदान राशि भी दिया जाएगा और सरकार की तरफ से आप लोगों को सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आगे चल के और भी आप लोगों का जो योजना है उसमें आप लाभ ले सकें और अपना जो आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट है उसका उपयोग आगे आप यहां पे कर पाएं। तो आज मैं जो विश्वकर्मा योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और मैसेज करके कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो वो सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है और उन्हीं सभी सवालों का जो जवाब है वो आप लोग को मिलने वाला है। सब कुछ मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आपने जो विश्वकर्मा योजना के बारे में नहीं जाना है, अगर आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से इस योजना में आवेदन करना है, तो इस पर मैंने जो पहले से वीडियो बना रखा है, अभी आप लोग को थंबनेल दिख रहा होगा, एक वीडियो मैंने आप लोग को बता रखा है कि किस तरीके से आप लोग का जो योजना का लाभ मिलता है, यह योजना है क्या, किस तरीके से आप लोग यहां पे आवेदन कर पाइएगा, कौन कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, और एक वीडियो मैंने आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप आवेदन करके दिखाया कि किस तरीके से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके अपना जो कार्ड है उसको यहां पे बनवाना है। तो सबसे पहले तो आप जो दोनों वीडियो देख लीजिए, दोनों का आप लोग को थंबनेल अभी दिख रहा होगा, आप हमारे चैनल पे जाइए, दोनों वीडियो का थंबनेल देखिए और उस वीडियो को जाकर एक बार चेक कीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि कुछ जो सवाल यहां पे लोगों का आ रहा था, तो वो सवाल मैं आप लोग को बताता हूं। तो यहां पे देखिए कुछ सवाल आप लोग का आ रहा था जो कि मैंने यहां पे लिख के रख लिया। सबसे पहला जो यहां पे सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि फॉर्म कहां से भरें, यानी कि यहां पे जो आप लोग का आवेदन प्रक्रिया है उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से आप लोग का आवेदन होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फॉर्म कहां से हम भर पाएंगे, इसके बारे में बताइए। तो फॉर्म जो आप लोग का भरा जा रहा है वो जो है आप खुद से यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग का ऑनलाइन आवेदन होता है लेकिन आप खुद नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपके नजदीक में जो भी सीएससी सेंटर पड़ता है वहां पे आप जाइए, उनके पास जो है आप लोग का आईडी पासवर्ड रहता है, उन्हीं के माध्यम से आप लोग का आवेदन होगा। अगर फिर भी आप लोग को परेशानी होता है तो आपके जो आसपास के यहाँ पे ग्राम के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि आपके वार्ड सदस्य हो गए, आपके यहाँ पे जो है सचिव हो गए, आप लोग के मुखिया हो गए, तो उन सभी के पास जो है आईडी पासवर्ड आप लोग का दिया जा रहा है, या फिर उन सभी के द्वारा भी आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे करवाया जाएगा। कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग को बोलकर यहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा कि अगर आप चाहते हैं इस योजना में लाभ लेना तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो एक बार जो है आप उनमें से किसी से भी मिल सकते हैं, आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, हो सकता है कि आप लोग का जो आवेदन है वो भी यहां पे कर दिया जाए। लेकिन सबसे आसान आप लोग का यही रहेगा कि आसपास में कहीं भी सीएससी सेंटर है आपके गांव में या फिर आपके गांव के आसपास में किसी गांव में, तो वहां पर जाकर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। अगर आप लोग को पता नहीं है कि सीएससी सेंटर हमारे गांव में कहां पे है, तो आप अपने जिले में चले जाइए, जिला में कोई ना कोई आप लोग का सीएससी सेंटर होगा जहां पे आप लोग का ऑनलाइन का काम होता है, वहां पे जाइए, उनके पास जो है आईडी पासवर्ड रहता है और वो लोग जो है आप लोग का विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर देंगे और आप लोग का यहाँ पे आवेदन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे दूसरा सवाल आ रहा था दोस्तों, वो ये आ रहा था कि 3 लाख का जो लोन आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 लाख का लोन मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा और लोन हमको कब मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देता हूँ कि लोन आपको किस तरीके से मिलेगा और कब मिलेगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आता है लोन के लिए। इस लोन के लिए देखिए, जब आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने जाते हैं तो वहीं पे आप लोग का पूछा जाता है कि आप लोग को लोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करने जाते हैं तो नेक्स्ट जो आप लोग का स्टेप होता है उसमें यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट का एक ऑप्शन रहेगा, उसमें आप लोग का पूछा जाएगा कि क्या आप जो क्रेडिट सपोर्ट का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग का मे बी लेटर है, तो अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तो आप लोग को लोन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप जो इसको यहाँ पे टिक कीजिएगा तो आप लोग को लोन मिलने वाला है। सबसे पहले जो यहाँ पे लोन मिलेगा वो आप लोग को 1 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाला है, 5% आप लोग का ब्याज यहाँ पे लगने वाला है सालाना, और 18 महीने तक आप लोग वहाँ पे जो लोन है उसको वहाँ पे रीपेमेंट कर देना है, यानी कि 18 महीने तक का आप लोग का जो समय है वो आप लोग वहाँ पे दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कि ये जो 1 लाख आप लोगों ने लिया है वो वापस कर देते हैं 18 महीने में, तो ऐसे में सेकेंड बार यानी कि दोबारा आप लोग को जो यहाँ पे पैसा है वो दिया जाएगा 2 लाख रुपया, जो कि आप लोग का 5% ब्याज पे रहने वाला है, और ये जो 30 महीने के लिए आप लोग वहाँ पे पैसा दिया जाएगा, तो टोटल 3 लाख रुपया आप लोग वहाँ पे दिया जाएगा। और ये आप अपना जो काम
करते हैं उस काम को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, आप लोगों को पैसा सरकार की तरफ से यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों का सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है कि अगर आप लोग को यहाँ पे लोन चाहिए तो किस तरीके से आप लोग को करना होगा। जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन करवाने जाइएगा तो वहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि जो क्रेडिट सपोर्ट का ऑप्शन आता है उसमें हमको यहाँ पे यस कर दीजिए, जिससे कि हमको यहाँ पे लोन मिल सके। तो इस तरीके से आप लोग को लोन मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 15,000 जो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा था कि आप लोग को सबसे पहले 15,000 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है, लोन तो आप लोग को बाद में मिलेगा, लेकिन ये जो 15,000 रुपये आप लोग को सबसे पहले दिया जाएगा ये किस तरीके से मिलेगा? तो ये जो है आप लोग को टूल किट खरीदने के लिए दिया जाता है। तो इसका भी आप लोग को ऑप्शन आता है जब आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिला होगा टूल किट, यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट के बाद आप लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन, तो उसमें जो है स्किल ट्रेनिंग और उसके बाद यहाँ पे टूल किट का ऑप्शन आएगा। तो टूल किट में देखिए आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया कि एक बार जो है अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और जो भी आप लोग का स्किल ट्रेनिंग होता है बेसिक आप लोग का 5 दिन का होता है, अगर आप एडवांस वाले जाते हैं तो 15 दिन का आप लोग का ट्रेनिंग होगा। अगर मान लीजिए 5 दिन का भी अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं और सर्टिफिकेट आप लोग को मिल जाता है तो ऐसे में आप लोग का जो 15,000 रुपया वो आप लोग वहां पे दे दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग करने के बाद जो है आप लोग को 15,000 रुपया यहां पे दिया जाएगा। ये आप लोग को यहां पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप लोग का कार्ड बनेगा, कार्ड बनने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग के लिए यहां पे बोला जाएगा, 5 दिन आप लोग को वहां पे ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोग को 500 रुपया यहां पे दिया जाएगा हर दिन, यानी 5 दिन के लिए आप लोग को 2500 रुपया यहां पे मिलने वाला है। और जब आप लोग यहां पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, 5 दिन अपना सर्टिफिकेट आप लोग ले लीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग को 15,000 रुपया डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो ये पैसा आप लोग का इस तरीके से मिलने वाला है। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि ट्रेनिंग कहां पर होगा? तो ट्रेनिंग जो आप लोग का होगा दोस्तों, उसके लिए आपके जिले में जो है कैंप का आयोजन किया जाएगा। आपका जिला स्तर पर ही यहां पे जो ट्रेनिंग है वो यहां पे होने वाला है। हो सकता है कि प्रत्येक ब्लॉक में या फिर प्रत्येक पंचायत में जो आप लोग यहां पे ट्रेनिंग लिया जाए, लेकिन फिलहाल जो है इसके बारे में खुल के आप लोग का जानकारी नहीं दिया गया कि किस तरीके से आप लोग का ट्रेनिंग होने वाला है। सिर्फ इतना बताया गया कि 5 दिन का आप लोग का बेसिक, और एडवांस में अगर आप जाते हैं तो 15 दिन का आप लोग का ट्रेनिंग होने वाला है। आप जो भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ये ट्रेनिंग आप लोग का जिला स्तर या फिर ब्लॉक स्तर या फिर पंचायत स्तर, तीनों में से कहीं पे भी आप लोग का ट्रेनिंग हो सकता है। और एक जो कैंप लगाकर आप लोग का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद आप लोग वहाँ पे 15,000 मिलने वाला है, और इस तरीके से आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मैंने आप लोग को पूरा क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से विश्वकर्मा योजना में आप लोग को लाभ मिलता है। जो भी आप लोग का सवाल था कि कहाँ से आप लोग को फॉर्म भरना है, 3 लाख रुपया किस तरीके से मिलेगा, 15,000 किस तरीके से मिलेगा, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे क्लियर कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी जो लोग हैं उनको वहाँ पे जानकारी मिल सके, और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।